सन 1960 में वॉरेन बफे ने डिज्नी कंपनी में 5% हिस्सेदारी खरीदी थी, फिर 50% मुनाफे के लिए हिस्सेदारी बेच दी थी। वे इसे सबसे बड़ी गलती कहते हैं, क्योंकि आज उस 5% हिस्सेदारी की कीमत $8.7 बिलियन होती, यानी 64,000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा। एक बार राकेश झुनझुनवाला ने अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए 2004 में क्रिसिल लिमिटेड कंपनी के 27 करोड़ के शेयर बेचकर मुंबई में 27 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी। फिर 11 साल बाद यानी 2015 में उन्होंने वो प्रॉपर्टी 48 करोड़ में बेची, यानी उनको 21 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि अगर उन्होंने वो शेयर ना बेचे होते तो उन शेयर्स की कीमत 2015 में 700 करोड़ होती, साथ ही उनको 50 करोड़ डिविडेंड अलग से मिलता।